दोस्तों भैंस तो अच्छी है, जो लोग पालने के शौकीन होते हैं और दूध खाना चाहते हैं वो दाम नहीं देखते हैं। ये 90-95 लग रहा है, लेकिन ये 10 तक छोड़ेंगे, 15 मांग रहे हैं, तब भी जो लोग लगाएं 90-95 हमारे कहीं ना कहीं अपने हिसाब से वो सही लगाए होंगे। तो जो लोग ख़रीदना चाहते हैं यहीं पप्पू होटल के सामने सीधे चले आइए आप लोग, यहीं पर एक गाभिन भैंस काफ़ी अच्छी है, 10 से 15 दिन लेगी बच्चा देने में और काफ़ी बड़ी गोल सिंह की है। हेलो पशुपालक साथियों, सभी भाइयों का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी किसान में। दोस्तों देख सकते हैं आज का व्यू, हम पहुंच चुके हैं जुबैरगंज पशु मंडी। आज डेट दोस्तों 10 मार्च 2024 है और कुछ इस प्रकार का व्यू है। जैसा कि आपको पता ही है हम हर रविवार को यहां पर आकर के वीडियो शूट करते हैं, यहां का व्यू दिखाते हैं और क्या पशुओं के रेट चलते हैं चल रहे हैं क्या, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग बने रहिए अंत तक देखिए। और उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा दाम पूछने से पहले कि अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। और एक बात और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए है, इसी नाम से हमारा पेज भी है फेसबुक पर, हिंदुस्तानी किसान पेज। तो उस पेज को आप लोग अगर नए जुड़ रहे हैं तो उस जा कर के अगर फेसबुक चलाते हैं तो पेज को फॉलो कर लें, सर्च करेंगे हिंदुस्तानी किसान आ जाएगा। तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, वहाँ पर हम लाइव आकर के आपसे बातें करेंगे। जल्दी से जल्दी उस पर 500 फॉलोवर करा दीजिए तो वहाँ से हम रोज़ लाइव आकर के बात करेंगे। आप 500 फॉलोवर जल्दी से जल्दी करवा दें तब हम आपसे रोज़ लाइव आकर के बात करेंगे प्रतिदिन। तो आज का कुछ इस प्रकार का व्यू है और बहुत ही शानदार शानदार भैंसें आई हैं, तो आप लोग बने रहिए। अभी हम क्या रेट चल रहे हैं कुछ व्यापारी भाइयों से और किसान भाइयों से कोशिश करेंगे पूछें। और अभी तो हम यहाँ पर हैं और इसके बाद हम आगे चलेंगे, देखते हैं कितनी भीड़ है इस बाज़ार में, क्या रेट चल रहे हैं पशुओं के। बहुत से लोग कमेंट करते हैं यार कि यार तुम वीडियो बहुत दिन से बना रहे हो, बना नहीं पाते हो, तो यार तू ही आके बना ले भाई ना, आकर वीडियो तुम ही बना लो अगर हम नहीं बना पा रहे हैं। यार इतनी कोशिश करके हम वीडियो बनाते हैं, आप लोग नेगेटिव कमेंट कर देते हैं कि यार वीडियो नहीं बना पाते हो, तो यार मतलब दुख हो जाता है कि ये लोग ऐसा कमेंट करते हैं। इस बाज़ार में इतनी भीड़ रहती है कि वीडियो बना नहीं पाते हैं, कोई भी यूट्यूबर हो हम ही नहीं, तो निगेटिव कमेंट ना करें, पॉजिटिव कमेंट ही करें। और एक लोग और हैं उनका मैं नाम लेना चाहूँगा, खासकर उनके लिए ही मैं ये वीडियो में बोलना चाहता हूँ। कोई वो कमेंट करते हैं कि भाई आप ही एक आप ही ईमानदार हो, बाकी सब बेईमान हैं, आप डेयरी फार्म खोल लो। तो उनके कहने का मतलब क्या है यार, फैज खान नाम है उनका, मैं कहना चाहता हूँ वो ज़्यादा कमेंट करते हैं, तो आपका कहने का मतलब क्या है। बेसिकली तुम भाई जो है मेरे सब्सक्राइबर हो और वीडियो ज़रूर देखते हो, कुछ भी हो जाए तो कमेंट का मतलब भी बता दिया करो, कहीं इमोजी हंसने वाली के कहीं अलग इमोजी लगा रहे हो। तो भाई ये कोतवाली के पीछे का नज़ारा पप्पू होटल के पास का आप लोग देख सकते हैं। और चैनल पर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, यहाँ पर दुधारू भैंसें रहती हैं, आप लोग अंत तक देखिए वीडियो को। दोस्तों एक भैंस दिखा रहे हैं हम आपको, शुरुआत करते हैं यहीं से। एक व्यापारी हैं, इनके पास पाणिया है, बच्चा दी हुई है शायद, क्या है बच्चा है इसका पाड़ा बयान कौन सा है पहले। देखिए भैंस काफ़ी बड़ी है, इसको घुमा के दिखाइए, पास
हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त भैंस है। बढ़ा दीजिए आगे और चाल देख लीजिए, काफी आसानी से चल रही है, काफी आसानी से चल रही है और बांट इसके भी अच्छे भी बना रही है। दीदी कितना रोज हुआ बच्चा दिए इसका? कल दिया है बच्चा। दूध कितना कर रही है? 9-10 किलो। चलिए वहाँ पे ले चलिए, दाम भी पूछते हैं आपसे। देखिए 9-10 किलो दूध उधर बता रहे निकाल देगी अभी टाइम पे, और अभी अभी 3-4 दिन का बीतेगा और भी बढ़ा सकती है दूध खिलाई पिलाई करने पर। इरफान भाई दाम क्या है इसका? यही बताइए। बता भैया आप बताइए। 92 मांग रहे हैं? ज़्यादा मांग रहे हैं यार, कुछ कम बताओ, कुछ छोड़ने वाला। 85,000 आखिरी मिल जाए दे देंगे है ना। तो अगर कोई ख़रीदना चाहता है 85,000 तक ये देंगे बोल रहे हैं। यही पप्पू होटल के बगल में है, मौजूद है, काफ़ी अच्छी अच्छी भैंस यहाँ पर हैं। नीचे इसके पानी है ना? परसों की ब्याई हुई है। कौन सा बयान मतलब ब्यात है? आपकी दोहला ही। अच्छा आपकी दोहला है और चाल डाल अच्छी है। कितना दूध निकालेगी भैया? अभी 8 किलो दूध चाहिए। 8 किलो दूध निकालेगी। तो जो अगर कोई ख़रीदना चाहता है और काफ़ी पहले 12 लीटर दूध था। अच्छा पहले बेहत में 12 लीटर था, अभी दूसरे में 8 निकाल ली, बढ़ाएगी दूध। अभी नीचे पड़िया है, मतलब ये एक अच्छी बात होती है जब बच्चा नीचे पड़िया होता है पाड़ी। आइए इधर भाई, इसके चमड़ी जो है हमको छू कर दिखाइए तो पीछ पूछ के। हाँ देखिए बारीक चमड़ी की है। तो इसका दाम क्या मांग रहे हैं भैया? 25 का रेट है, 5 कह रहे थे। 25 कह रहे थे और तो आखिरी 5। जो कोई ख़रीदना चाहता है थोड़ा रेट हाई बता रहे हैं, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, हाई हर विक्रेता जो होता है वो ज़्यादा ही बताता है कि हमको ज़्यादा मिल जाए, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो बार्गेनिंग हो जाती है, 80-85 के अंदर तक मिल जाती है आपको। चलो ठीक है। और है आपके पास भाई? हाँ भैया। भाई हेलो, आपकी यही है क्या? एक भाई किसान भाई, इनकी भी हम वीडियो बना चुके हैं कई बार। ये बच्चा क्या है भाई? नीचे पड़वा है। इन भाई साहब की हमने वीडियो बनाई है। और इसका ब्यात क्या है भाई? दोला ब्यात है। और मौके पर टाइम पे दूध कितना निकाल रही है? 10 किलो। अभी हम देखते हैं इसका बाट और इसकी बॉडी पूरा। मौके पे 10 किलो दूध निकाल रही है। मौके पे 10 किलो दूध ये निकाल रही है। और इसकी बांट देखिए, क्या दाम मांग रहे इसका? 10 किलो मौके पे दूध निकाल रही है। कुछ आप हाई फाई बता रहे हैं दूध के हिसाब से बताइए कितना। और आखिरी 1.20। दोस्तों ये जो बाज़ार में जो कीमत बताई जा रही है हर बेचने वाला वो ज़्यादा ही बताता है, आपको घबराना नहीं। यहाँ पर आकर आप बातचीत करेंगे तो कम ज़्यादा होता है,
एक 40 ऐसे बताते हैं, एक 20, एक 40, लेकिन आखिरी दाम 80,000 70,000-75,000 तक देते हैं। ये दुगना दाम बताया जाता है बाजार में। तीन बाट है, एक मिनट, तीन बाट है लेकिन बड़ी है, और तीसरा चौथा ब्याज से कम नहीं होगी। कौन सा ब्याज है? तीसरा नीचे पड़िया है। दूध कितना है इसका? 11 किलो है। 11 किलो दूध तैयार है। बाट काफी लंबे लंबे हो गए इसके, आज अभी 4 दिन भी आने भाई। ये बता तो रहे हैं तीसरा, लेकिन हमारे ख्याल में तीसरा चौथा से कम नहीं होगी ब्याज। क्या दाम मांग रहे हैं इसका? एक दाम 90,000 है। 90,000 एक दाम इसका 90,000 मांग रहे हैं। 11 किलो दूध तैयार है, एक दाम 90,000। दोस्तों दाम सुनकर आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बार्गेनिंग होगी। यहाँ पर नीचे बच्चा पढ़िया है, बार्गेनिंग हो जाती है। इतना दाम बता रहे हैं, इसके आधे दाम में आपको मिलेगी। 90 बता रहे हैं, लगभग तब भी 60-65 के करीब मिल जाएगी, देना चाहिए। आखिरी दाम 90। का नंबर है? 81 27 94 ठीक है। दोस्तों बहुत से लोग बड़ी और गाभिन भैंस देखना चाहते हैं, तो ये देखिए हमारे वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त शानदार गोल सिंह की है, और काफ़ी भारी बॉडी वेट की है। अभी देखने से मुझे अंदाज से गाभिन लग रही है, कम से कम लगभग 15 दिन ले सकती है हमारे अंदाज से, जिस हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं हमको पता है। और अभी ये बांट बनाएगी काफ़ी अच्छा। चाचा गाभिन है का ये? कितना दिन ले? 15 से 20 दिन हमने बताया है, भी आ जाएगी। और एक चमड़ी छुई के चाचा दिखाओ जाए, इसे चमड़िया छुई के पिछवा पिछवा चाचा आ पाओ। ए चाचा आप चमड़िया छुई के जरा दिखाओ जाए, ये पीछा पुछवा वाली चमड़िया छुई के दिखाओ जाए वीडियो में। देखिए काफ़ी बारीक चमड़ी से है, अच्छी चल ले रही है। लगभग कितना दाम मांगा जा रहा है चाचा? क्या डिमांड है इसकी? 1,15,000। क्या दाम दे रहे हैं जो लोग आ रहे हैं खरीदने वाले? तो आप छोड़ेंगे कितना कितना चाह रहे हैं इसका? आखिरी 1,10 आखिरी चाह रहे हैं। दोस्तों भैंस तो अच्छी है, जो लोग पालने के शौकीन होते हैं और दूध खाना चाहते हैं वो दाम नहीं देखते हैं। ये 90-95 लग रहा है, लेकिन ये 1,10 तक छोड़ेंगे, 1,15 मांग रहे हैं। तब भी जो लोग लगाए 90-95 हमारे कहीं ना कहीं अपने हिसाब से वो सही लगाए होंगे। तो जो लोग ख़रीदना चाहते हैं यहीं पप्पू होटल के सामने सीधे चले आइए आप लोग, यहीं पर एक गाभिन भैंस काफ़ी अच्छी है, 10 से 15 दिन लेगी बच्चा देने में, और काफ़ी बड़ी गोल सिंह की है। बहुत से लोग ऐसी भैंस देखना पसंद करते हैं, गाभिन भैंस ढूंढते हैं, और गाभिन भैंस हमारा कहना यही है कि अगर जब भी आप लें तो बच्चा दी हुई नहीं, गाभिन भैंस और गाभिन गाय लें, क्योंकि जब गाभिन रहती है बच्चा देने पर दूध आपको कुछ दिन 1-2 महीना 3-4 महीना आपको बढ़िया दूध मिलेगा, आपका दाम उसी दूध से निकल आएगा जितने की आप भैंस खरीदे रहेंगे। तो हमेशा गाभिन भैंस और गाय लेने की कोशिश करें। दोस्तों बहुत से लोग नई पढ़िया और पहले ब्यात में देखना चाहते हैं भैंस, तो ये देखिए पहले दूसरे ब्याज में भैंस देखना चाहते हैं जो लोग, काफ़ी अच्छी और पतले अभी बाट की है, काफ़ी अच्छी है। और ये बुजुर्ग चाचा आते रहते हैं बाज़ार में,
देखिए यहाँ पर है, किसकी भैंस है आपकी? इसको घुमा दीजिए चाचा, तरह वीडियो बना ले इसकी हम आप। नहीं इधर घुमा दीजिए, नई भैंस है अभी, देखिए अभी बच्चा ही है समझ लीजिए, 2-2.5 साल इसकी उम्र लगभग हो सकती है। बयान कौन सा है? बयान नहीं, पढ़िया तो बयान है, ब्यात कौन सा है, पहला है कि दूसरा? अभी 2 दांत का बच्चा है। घुमा दीजिए इधर, ले आइए अपने जगह पे ले आइए आप। अभी 2 दांत है इसका और इसके बाद अभी काफ़ी पतले पतले हैं। देखिए बांट, देखिए काफ़ी पतले पतले। और बच्चा क्या है, पढ़िया? कितने दूध दे रही है? अच्छा, बहुत से लोग नई भैंस देखना चाहते हैं, ऐसे एक पहला ब्याज की देखना चाहते हैं। देखिए बाढ़, देखिए लगभग उम्र कितनी होगी इस भैंस की? 2 दांत मतलब 2 साल की होगी, 3 साल की। तो क्या दाम मांग रहे हैं? 1,05,000। अभी नहीं है इसलिए हो सकता है दाम ज़्यादा बताया जा रहा है, लेकिन आप लोग जो किसान भाई देखते हैं घबराए नहीं, आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। जो बेचने वाला होता है वो ज़्यादा ही बताता है कि हमको ज़्यादा मिल जाए, लेकिन जब आप आकर बात करेंगे ऐसी नई भैंस आपको सस्ती मिलेगी। आखिरी दाम बताइए, 1,00,000। अगर जो कोई ख़रीदना चाहता है थोड़ा नई भैंस है, दाम सुनकर आपको नहीं घबराना। जैसे हर मंडी में जो है वो ज़्यादा बताते हैं कि हमको ज़्यादा दाम मिल जाए, लेकिन जब आप आकर बात करेंगे नई भैंस है पहला बयान की, तो ये काफ़ी उम्र इसकी लगभग 2.5 से 3 साल हमने अनुमान लगाया था, तो हमारा अनुमान सही निकला। जो लोग आ रहे हैं अगर यहाँ पर आकर के ख़रीदेंगे, 1,00,000 रुपये बता रहे हैं, लेकिन और कम में होगी। आठ से नौ लीटर दूध तैयार है ना मौके? चलो ठीक है, जो लोग ख़रीदेंगे ऐसी भैंस और भी बार्गेनिंग होगी, 70 से और 1,00,000 बता रहे हैं, तब भी और 10-5,000 तो कम ही हो जाएगा। कहाँ से हैं आप? बस्ती से आए हैं? हैं जिला बस्ती थाना सोना वहाँ से आए हैं, काफ़ी अच्छी भैंस है इनके पास, लेकिन 1,00,000 आखिरी दाम बता रहे हैं, लेकिन ये कम करेंगे और धीरे धीरे 70-80 तक आएंगे अगर आप बात करेंगे आकर।